लक्ष्मण कहाँ हो तुम? श्री राम तुम्हारे श्री राम तुम्हें बचाने नहीं आए थे। फिफ्थ सीन पे स्टेज पे शबरी के बेर जाने थे ना, तुम बहनचोद पहले ही खा गए सारे बेर। और तुझे 4 लाइंस दी तो 40 क्यों बोलता जाके स्टेज पे? ब्रो इट्स इम्प्रोवाइजेशन, इट्स एन आर्ट। वहां राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा और तू क्या चिल्ला रहा था वहां पे? फोड़ दिया भैया, मचा दिया भैया। अरे मेरे भाई फोड़ दिया क्या होता है? स्टैनिस्लोवस्की कहाँ लिखा है? आप सोच रहे हैं कि ये नॉर्थ इंडिया का वही क्राइम ड्रामा है जहाँ बड़ा लड़का खून के रास्ते निकल पड़ा है। पापा हमको स्कूटी चाहिए। नमस्ते आंटी। उतनी आंटी वो मच्छर भगाने वाली मशीन चला रखी है लड़कों ने। ऐसे घूम के जाएगा, पहले आएगा बाथरूम, उसके बगल में लैट्रिन और उसके बगल में रसोई। कौन है भाई? हम वैभव भैया। आओ भैया। शराब और सिगरेट को हम हाथ नहीं लगाते और लड़कियां हमको हाथ नहीं लगाती। बनारस से हूँ मैं, पापा पंडित है हमारे। अरे तो बस छोटा सा नमूना था। छोटे नमूने ही पसंद है इसकी गर्लफ्रेंड को भी, छोटे नमूने। नमस्कार, मैं राहुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं साहित्य, सिनेमा और समाज। आज के हमारे मेहमान हैं जाने माने फिल्म एक्टर वैभव राज गुप्ता। आपने आश्चर्यचकित, लाइफ सही है, गुल्लक, आयान और स्ट्रेलर जैसी कई सारी फिल्में और वेब सीरीज में काम किया हुआ है। वैभव भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। थैंक यू जी। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। एकदम बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। तो लॉकडाउन में क्या चल रहा है आजकल, कैसे चीजें चल रही हैं? लॉकडाउन में स्टार्टिंग में थोड़ा टफ था, बट मेरी लाइफ में उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आए क्योंकि लॉकडाउन से पहले भी मैं लॉकडाउन ही था, तो मैं ज़्यादा बाहर जाता नहीं, मैं ज़्यादातर घर पे ही रहता हूँ। तो चेंजेस ये हुए कि फ्रीडम नहीं है बस अभी, और एक वियर्ड सा माहौल है बाहर। जब आप घर से बाहर निकलो ना, तो क्योंकि आपने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा है जी, तो मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया यार ये। तो बाहर जाओ ना तो एक कैसा लगता है, शिट यही बॉम्बे, यही मुंबई था जहाँ पे सब चलन दौड़ते भागते थे, एकदम रुक गया है सब कुछ। तो जब भी बाहर निकलो तो डर सा लगता है कि अरे यार ये क्या सीन है, कब सही होगा। तो वेट कर रहे हैं कि यार ये जितनी जल्दी हो सके सही हो जाए और वापस नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाए। बाकी चेंजेस बहुत खास नहीं हुए, मैं उसी शेड्यूल पे हूँ अपने, जो मैं करता रहूँ वही मैं करता रहता हूँ और उससे ही बचा हुआ हूँ मैं, वरना थोड़ा पैनिक आ जाता है जी। तो वैसे हम आपकी जो मुंबई वाली लाइफ है उस पर हम आएंगे, तो उससे पहले आप हमें ये बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड किस तरह के परिवेश और माहौल में आप पले बड़े, और किस तरह का आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा, कैसे रहा? तो मैं रहने वाला बेनीगंज का हूँ। ये लखनऊ जो सिटी है उससे और अंदर आप जाएंगे तो एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है बेनीगंज। तो कुछ 100 या 110 किलोमीटर अंदर जाके होगा ये। बहुत छोटा सा कस्बा है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जॉइंट फैमिली है। और बहुत प्यारा रहा है मेरा बचपन, मतलब मुझे लगता है मुझे सब कुछ मिला जो मुझे चाहिए था। तो गाय भैंसे थी, कच्चे मकान थे और एक सिंपल सी लाइफ थी जहाँ रात में कहानियाँ सुनाई जाती थी सोने से पहले, और गाय का दूध पीते थे अपने आप निकाल। वैसा वाला बचपन था जो आप पुरानी फिल्में या इंडी फिल्म देखे हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे गांव का वो होता है, बड़ा सिंपल लाइफ थी। धीरे धीरे फिर हमारी फैमिली में मैं अपने मेरी फैमिली में आर्टिस्ट लोग थे, तो वो बहुत लेट में पता चला, तब मुझे इतना वो नहीं होता था, मुझे लगता था कि यार सब वही नॉर्मल लोग हैं, बट नॉर्मल नहीं थे यार। मेरे बाबा बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, तो जो पीछे पेंटिंग आप देख रहे हैं मेरे बाबा और दादी की है, और इस घर में जितनी भी पेंटिंग्स लगी हैं वो मेरे बाबा ने कुछ 50-60 साल पहले बनाई थी, और बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। तो जब हम छोटे थे तो हमें दिखाते थे वो, तो बाबा प्रॉपर। तो आई थिंक जो भी आर्टिस्ट पना आया है मेरे अंदर या मेरे भाई के अंदर, वो मेरे बाबा की वजह से, बाबा और दादी इन दोनों की वजह से। मैं बहुत लकी हूँ इस फैमिली में, इस फैमिली में मेरा बचपन बीता और इस तरीके से बीता, काफी अच्छा रहा। मिस करते हो आप अपना वो छोटा सा जो कस्बा है जहाँ भी आप रहते थे? क्या लगता है आप जो लाइफ आप आज जी रहे हो? बहुत, मतलब अगर कोई मुझसे जब भी, हाँ जैसे मैं बहुत इमोशनल लड़का हूँ मतलब, और मैं नॉस्टैल्जिया में बहुत बिलीव करता हूँ, तो मेरा ज़्यादातर इमोशन मेरे गांव से ही है यार। मतलब अगर अभी कोई मुझसे बोले कि एक चीज़ जो आपको चाहिए, तो मैं ही बोलूँगा यार मेरे को मेरा बचपन दे दो, क्योंकि तब जब हम बड़े हो रहे थे तब रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि कितना खूबसूरत है। पर जब आप यहाँ शहर में आ जाते हो, आप इस शहर को अपनाने लगते हो, फिर आप मिस करने लगते हो वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है यार। वो बहुत सिंपल सी चीज़ें थी। और मतलब एज एन एक्टर मैंने जो कुछ भी सीखा है मुझे आई थिंक वहीं से मिला है। और वो सब अब सोचो ना तो ऐसा लगता है यार वो कभी मिल ही नहीं पाएगा। वो उस तरीके का रहना सहना, गोबर और ये वो, अरे यार बहुत प्यारा रहा है यार। कम चीजें थी बट हम बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे। एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई? मतलब ये कहीं आपके घर से जो आप उस जमाने में थे वहीं से थी, या फिर कैसे एक्टिंग का की शुरुआत हुई? झुकाव कैसे हुआ है एक्टिंग की तरफ? तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। तो जैसे मेरे बाबा पेंटर और डॉक्टर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर, और हमारे घर में जब हम गांव में रहते थे तो हमारी बहुत सिंपल सी लाइफ थी। सब अपना अपना काम करते थे और किसी को ये सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। एक्टिंग, फिल्म्स, मुंबई, ये वो कोई चीज़ें नहीं थी हमारी लाइफ में। तो मुझे याद है हमारे वहाँ रेडियो होता था, रेडियो और दूरदर्शन आता था। तो मेरी जो बुआ थी, मेरी जॉइंट फैमिली थी, मेरी बुआ लोग ना बहुत बड़ी फैंस थी पुराने गानों की। उनके पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स थी, टेप थे, और रेडियो पे जब आता था तो उनको सब पता रहता था किसने गाया है क्या। तो हम लोग छोटे थे तो हम इतना ध्यान नहीं देते थे, बट वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये दिमाग में जाता रहा। एंड मैंने बचपन में, मतलब मैं पढ़ाई में बहुत खराब था, बहुत ज़्यादा खराब, मतलब जितना आप सोच भी नहीं सकते वैसा था। तो 7th-8th तक तो मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली कैसे भी कर। उसके बाद मुझसे नहीं हो रही थी, तो हमें 7th में गाँव छोड़ना पड़ा क्योंकि हम दोनों की पढ़ाई के लिए हमें सीतापुर आना पड़ा। तो 2000 में हम सीतापुर आ गए थे। तो सीतापुर बेनीगंज से कुछ 40 किलोमीटर दूर है। पढ़ाई करने के लिए आए और जब वहाँ उस शहर में आए, क्योंकि आई थिंक मैंने पहली बार 2000 में कोई शहर देखा था। बहुत छोटा सा शहर था, नाम का शहर है बट वो बस शहर है। वहाँ स्कूल्स अच्छे हैं, तो हमारा एडमिशन हो गया, ये सब हो गया, हम लोग किराए पर रहना शुरू किया हम लोगों ने। और तो 2-3-4 साल होने के बाद वहाँ पे यार एक सीतापुर महोत्सव करके ना एक फेस्टिवल हुआ, पहली बार बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ जहाँ पे मुंबई से एक्टर्स को बुलाया गया वो करने के लिए, जज वो करने के लिए, और आते हैं स्टेज पे और ये सब। तो मुझे हमेशा से ये सारी चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग लगती थी। और मेरे अंदर एक कॉम्पिटिशन का वो भी था जो मुझे बहुत लेट पता चला। जब भी मैं किसी को स्टेज पे देखता था और मैं नीचे होता था तो मुझे लगता था नहीं यार मेरे को ना वहाँ पे होना है, ये क्राउड में तो 1000 लोगों के साथ खड़े होकर मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे स्टेज पे चाहिए। बट मैंने कभी किसी को कुछ बोला नहीं, कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया। और क्या होता है ना, फैमिली में आपको करना भी है तो आप बोल नहीं पाते, कि थोड़ा डर भी रहता था और कुछ पता नहीं था। तो वो महोत्सव हुआ पहला और मुझे पता चला अच्छा यहाँ पे मॉडलिंग कॉम्पिटिशन भी हो रहा है और कोई लड़का जीता है, और उसका नाम था विशाल, नाम था। तो हम लोग विशाल भैया बोलते थे उनको। नाम भी याद है? हाँ मुझे सब याद है, मुझे याद है वो विशाल नाम था, विशाल खत्री नाम था कुछ तो था। तो वो जीते थे, मिस्टर सीतापुर बने थे। तो वो मिस्टर सीतापुर का एक टाइटल ना वो दिमाग में मेरे ऐसे, जब जिस दिन मैंने सुना ना ये मिस्टर सीतापुर करके कोई टाइटल उनको मिल गया और वो पूरे सीतापुर में फेमस हो गए थे। तो जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना तो हमारे, मतलब मेरे उसमें ये लड़के सब बहुत स्मार्ट, मुझे बहुत वो लगता था यार कि यार ये कितना कूल बंदा है यार, इसकी दाढ़ी प्रॉपर आ रही है, इसके बाल कितने सही हैं, और ये सारी चीज़ें देख के ना मैं थोड़ा वो हो गया। तो फिर क्या हुआ, उस साल तो मैं कुछ नहीं कर पाया उस महोत्सव में, मैं सिर्फ जाता था झूला वूला झूल के वापस आ जाता था। बट नेक्स्ट ईयर ये फिर से पता चला कि ये फिर से हो रहा है महोत्सव, फिर मैंने बोला नहीं यार इस बार मुझे मॉडलिंग करनी है, इसमें कॉम्पिटिशन में भाग लूंगा मैं कैसे भी। और मेरी फैमिली में था कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था, अमृत जो मेरा भाई वो बहुत अच्छा था, तो हम मतलब मुझसे ना वो की जाती थी इसका तो कुछ नहीं होने वाला। और मैं एक्चुअली अगर मेरे पापा वापा तो ऐसे बोलते थे तुम्हारी पूरी दुकान खुलवाए देगा तुम वहीं बैठे हो भले मजाक में बोलते हो, लेकिन पापा थोड़े ना डरता था, मैं बहुत ज्यादा डरता था पापा चाचा इन लोगों से। आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ती। हाँ मतलब ऐसे ही बोलते हैं कि दुकान खुलवा दी जाएगी या हाँ मतलब जब मैं 11th में फेल हो गया था, 11th में मैं 5 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया था, हिंदी से लेके सब चीज में तो जब दोबारा महोत्सव हुआ तो मैंने बिना बताए कंपटीशन में भाग पार्टिसिपेशन किया और मैं जीत गया। मैंने बहुत मेहनत की थी उसके लिए और पहली बार लाइफ में ऐसा लगा कि यार, और उसमें मेहनत करने में ना लग नहीं रहा था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। जब आपको, और वो एक ऐसी एज थी ना जब आपको पता नहीं था आपको क्या करना है, तो ये मॉडलिंग आई मेरी लाइफ में और इसने मेरे को एक फ्रीडम दी, मुझे अच्छा भी लग रहा था बट मुझे पता नहीं था ये क्या है, ये कुछ तो हो रहा है। बट मैं बहुत मेहनत की और मैं सेकेंड ईयर में मिस्टर सीतापुर बन गया और वो फिर पूरे सीतापुर में टीवी पे आया था लाइव और सारे पेपर्स में आया। तो पापा की मतलब मुझे ना पापा को थोड़ा दिखाना था कि यार आपका ये बड़ा लड़का ऐसा वेस्ट नहीं है जैसे आप फील कराते रहते हो। मतलब पापा जानबूझ के नहीं, बट यार एक एक ना मेरे घर पे क्या होता है अमृत को बहुत इम्पोर्टेंस मिलती थी है ना। और जब आप दो भाई हो ना सिर्फ, तो आप ना अलग कर दिए जाते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप पढ़ने में अच्छे नहीं थे और मैं थोड़ा खुराफाती भी था। मुझे जैसे हमारी आपकी बात हो रही थी ना कि मैं मेरे दोस्त यार रहे हैं, मेरे हमेशा मेरे से बड़े लोग मेरे दोस्त रहे हैं एज में जो बड़े हैं, तो मुझे उनके ग्रुप्स में घूमने में मजा आता था। मैं स्पोर्ट्स में था तो मैं पढ़ाई में छोड़ के मैं सब में था, बस लड़ाई वड़ाई नहीं करता था, मैं सिंपल सा लड़का था बट मेरी दोस्ती यारी बहुत अच्छी चल जाती थी। मुझे वो सब बहुत पसंद। और पापा लोग का थोड़ा ऐसा लग रहा कि पढ़ने में नहीं अच्छा है। तो मैं जब सीतापुर मिस्टर सीतापुर बना तो फिर ये सब हुआ, फिर पूरा सीतापुर पहचानने लगा और वो होता है ना फिर आपको चस्का लग जाता है, आपको एक बार फेमस हो गए तो अब आप कहीं भी जा रहे हो तो अरे गुप्ता जी का लौंडा जा रहा है। ये किस साल की बात है, कितनी उम्र रही होगी? यार मैं 11th में था, 11th तो 2008 की बात है, 7 या 8 की बात है, आई थिंक 7 की बात है, 7 या 6 ऐसा कुछ रहा होगा। तो मैं जीता, फिर पूरे खानदान में मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई, सब लोग रिस्पेक्ट करने लगे कि अरे ये नाकारा कुछ करने लगा है फिर मुझे थोड़े और कंपटीशन आने लगे। लखनऊ में मैंने मॉडलिंग की बट ये बहुत छोटे लेवल पे मॉडलिंग नहीं होती थी और मेरे लिए बहुत बड़ी है क्योंकि इसी से शुरू हुआ मेरा। बट वो बहुत इमेच्योर से लड़के जैसे मुझे तो ना ड्रेसिंग सेंस पता था ना मॉडलिंग, अभी भी मुझे मॉडलिंग का कुछ नहीं पता है बट वो एक स्टेज का एक नशा होता है ना कि आप इतने सारे लोग देख रहे हैं और आप क्वेश्चन आंसर्स होते हैं आपको, तो वैसे शुरू हुआ। और फिर यार ये गायब भी हो गया, लाइक तब मैं 11th कर रहा था, 11th या 12th किया होगा और मॉडलिंग का ये सब चीज़ें खत्म हो गई। और फिर शुरू हुआ कि अच्छा 12th तो, क्योंकि 11th में फेल हो गया था तो मेरे पे बहुत बड़ा प्रेशर था और मैं 12th कॉमर्स, तो एक और फनी सीन है। तो जब मैं 10th पास किया ना तो उसके बाद 11th सारे लड़के, एक बहुत अच्छा स्कूल होता था हमारा सीक्रेट हार्ट जहाँ पे सब चले गए और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉन्वेंट स्कूल था और मेरा एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि मेरे परसेंटेज बहुत ही घटिया थे बट मैंने जुगाड़ कैसे भी करके करा लिया रोड होके, और मतलब फैशन में करा लिया लेकिन वहाँ पढ़ना होता था यार। तो उतनी मोटी मोटी बुक्स मेरी लाइफ में पहली बार, मैं सब में फेल हुआ 11th में। फिर कट टू कॉन्वेंट स्कूल से मैं आया 300 रुपये सालाना वाले स्कूल में, जहाँ पे पट्टे पे बैठ के आप पढ़ रहे हो, जहाँ पे मास्टर जी बोलना पड़ रहा है और पिटाई होती थी कुत्तों की तरह। मतलब फिर उसमें कोई लिहाज नहीं होता था कि धीरे से मारूं या सोफिस्टिकेटेड तरीके से मारूं, वहाँ पे जुटते थे वो लोग। तो वैसे करके मैं 11th पास हुआ, 12th पास किया 33 समथिंग, मतलब एग्जैक्टली वहीं पे पास हुआ जहाँ पे होना चाहिए था अच्छा अच्छा। हाँ यार तब धीरे धीरे फिर ना एक फीलिंग होने लगी क्योंकि जिस शहर में मैं रह रहा था, जब आप बड़े होते हो ना तो आपके अंदर जो जिसके लिए आप बने हो ना आपको पता होता नहीं है कि आपको पता नहीं वो तरीका क्या है। बट कहीं ना कहीं मुझे अंदर से लगने लगा था कि यार मेरी बॉडी ना कुछ हो रहा है, मुझे फ्रीडम चाहिए, मेरे अंदर एक्सप्रेस करने को है बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि घर में बोल नहीं पाते हैं ना, तो घर पे उतना ये सब नहीं था, जबकि मेरी फैमिली बहुत बहुत कूल फैमिली थी जहाँ पे मिमिक्री भी होती थी। और एक बहुत आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये एक्टिंग या ये सब चीज़ें कहाँ से हैं। जो मेरे बाबा थे जब हम छोटे थे तो हमें, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वर्ल्ड सिनेमा देख रखा था। हमारे घर में वर्ल्ड सिनेमा देखा जाता था। हमारे बाबा हमें जुरासिक पार्क, द लास्ट वर्ल्ड और बेन हर, ट्रॉय, ये सारी फिल्में मेरे घर पे रोज चलती थी। मेरे चाचा, डीवीडी आई थी घर पे, तो डीवीडी से रोज कम से कम हम 3 फिल्में जरूर देखते थे इंग्लिश, और हमेशा इंग्लिश फिल्म देखी जाती थी। तो बेन हर, जुरासिक पार्क और ये जितनी भी अच्छी फिल्में, कराटे किड, 300, ये मुझे याद है हम लोग रोज बैठ के पूरा घर देखते, मैं, पापा, चाचा, बाबा और अमृत, हम 4 लोग जरूर देखते थे। तो धीरे धीरे वहाँ से आना शुरू हुआ चीज़ें। एंड जब 12th हो गया ना, तो फिर एक सवाल खड़ा हुआ कि अब क्या करना है। और फिर मुझे, मेरे अंदर वो हो रहा था कि यार यहाँ नहीं रहना, क्योंकि वहाँ पे कुछ था नहीं यार। मतलब मैं अगर कुछ करना भी चाहूँ ना तो कुछ था ही नहीं, और मुझे कुछ करने का बहुत मन कर रहा था। बट फिर पता चला अच्छा क्या करें मैंने, और ये भी था ना कि मुंबई वर्ड घर पे निकालना, मिडिल क्लास फैमिली, जो बोलना कि मैं मुंबई जाऊंगा और मेरी जो मेरा पास्ट रहा है पढ़ाई में, उस बेसिस पे तो मैं बोल ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं यार कैसे हुआ यार, कहाँ से हिम्मत आई। मैंने पापा से बोला तो मुझे लगा पापा रख के देंगे, बोलेंगे बेटा औकात में रहो। तो मुझे लगता था मेरे पापा ना उड़ान वाले पापा है, मुझे बहुत डर लगता था, वो मुझे डरा, तो सब डरते थे, पापा बहुत डराते थे यार, तो बात कुछ नहीं करते थे, थोड़ा वो लोड में ही रहे हैं। तो मुझे उनसे डर लगता था बहुत। तो मैंने बोला उनसे, मैंने कहा पापा मुझे लगता है ना मुझे मुंबई जाना है। पापा ने मेरे को देखा, 1 हफ्ता है देख लो करके, उन्होंने रोका भी, मतलब मेरे घर वालों ने कभी रोका नहीं मुझे या मेरे भाई को किसी भी चीज करने से। दे ऑलवेज गिवन अस द फ्रीडम टू एक्सप्लोर। बट वही होता है ना कि आपको लगता है कि आप डर रहे हो, उनको लगता है कि लड़का ठीक है, खुश है, आप कभी बात ही नहीं करते हो दूसरे से। तो हमारे वहाँ कॉन्वर्सेशंस नहीं हो पाती थी बाप और बेटे में, या नो छोटा बड़ा, थोड़ा वैसा चलता था। देन यार हो गया ये, अमृत तो लखनऊ में चला गया था, मैं अकेला रह गया था। अमृत तो पढ़ाई चालू थी, बाल सफेद हो गए थे इसके। और मैं रह गया था सीतापुर में। पापा ने बोला ये सब, बोला पापा से कि तो अभी कुछ करने का मन कर रहा है बट मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा। पापा चाहते थे कि मैं सीए बनूं, क्योंकि उनका बिजनेस था और वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे कि लड़का सीए बन जाएगा। और मेरे को पढ़ाई, मतलब मैं कैसे बताऊं उनको यार कि, और मुझे खुद नहीं पता कि मेरे को पढ़ाई समझ में क्यों आई नहीं रही थी यार। मुझे तब वो तारे जमीन वाला सीन हो जाता था यार, किताबें खुली, पूरा दिमाग ऐसे, मतलब ये सब क्या है। जबकि मुझे आर्ट्स बहुत पसंद थी, मेरे बाबा आर्टिस्ट थे और मुझे आर्ट बहुत पसंद। मेरे बाबा बैठा के, मुझे एक ही सब्जेक्ट था जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद रहता था, आर्ट का, तो वो होता था। और और सबसे खतरनाक क्या होता था ना कि क्योंकि मैं पढ़ने में खराब था, तो एग्जाम देके आओ, पहले तो एक एग्जाम की प्रिपरेशन करो, एग्जाम देके आओ, तो वो तो घर वाले नहीं देख पाते थे कि मैं क्या लिख के आऊँ, कि वहां तो नहीं लिख पाता था। और मुझे प्रिपरेशन करनी होती थी वापस आके घर वालों को, जो घर वाले एग्जाम लेंगे ना, क्योंकि पहले वो ऐसा होता था कि पेपर, अच्छा ये पेपर है, चलो बताओ क्या क्या लिख के आया, तो मेरे घर पे डबल एग्जाम देना होता था। तो मैं प्रिपरेशन वहां की नहीं करता था, मैं प्रिपेयर करता था कि मैं अपने चाचा के सामने कैसे भी कुछ झूठ झाट बोल के बोल दूं उनको कि बस हाँ कर लिया मैं। तो वहां बैठ के ना नंबर चेकिंग होती थी, तो वो नंबर पे, अरे बहुत ये हमारे साथ हुआ है। कमाल, इतना डर, इतना। तो फिर आप बॉम्बे कैसे पहुंचे, बॉम्बे तक का सफर कैसे हुआ? तो यार क्या बड़ी फनी स्टोरी है। तो मैं पापा से जब मैंने ये बोला तो उन्होंने बोला 1 हफ्ते कर लो। अब प्रॉब्लम ये था कि यार हमारी इंग्लिश एक बहुत बड़ी, मेरी ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही बहुत सालों तक, कॉन्फिडेंस की। तो ना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था यार किसी भी चीज़ को लेकर, मुझे बात करनी नहीं आती थी, मैं बहुत डरा रहता था। और मुंबई एक बहुत बड़ा चीज़ था जो मैंने कभी देखा भी नहीं सही से, ना मुझे उसके बारे में पता था। एक बस नाम एक था कि अच्छा ये एक शहर है जहाँ जाके वहाँ पे हीरो और एक्टिंग और ये सब होता है, बट मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं एक्टिंग के लिए आ रहा हूँ मुंबई, एकदम पता नहीं था, आइडिया भी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। तो और इंटरनेट तब मेरे घर पे नया लगा था। मेरे घर पे कंप्यूटर था। और तो फिर मैंने मुंबई, गूगल पे मुझे याद है मुंबई और मास कम्युनिकेशन तब आया था। मेरा एक कज़न था जो पुणे में मास कम्युनिकेशन कर रहा था, तो वो फैमिलीज में बात होती थी, अरे उनका लड़का वो कर रहा है वहाँ पे, तो वो मास कम्युनिकेशन मेरे दिमाग में रह गया था। और वो पुणे से एक बार आया था सीतापुर, वो वहीं रहता है, तो वो जब आया था ना तो एकदम कॉन्फिडेंट लड़का, और मुझे ना कॉन्फिडेंट लोग बहुत अट्रैक्ट करते हैं, मुझे वो पर्सनैलिटीज बहुत अट्रैक्ट करती है जिनमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है और जो बहुत एक अलग एक मुझे वो हाई मिलता है। तो जब आया घर पे, जब वो सीतापुर में थोड़ा नॉर्मल, मतलब हम सब एक जैसे, पुणे के बाद जब वो आया तो लाइक आप एक शहर में रहते हो, आप एक एक्सपोज होते हो दुनिया से, आपका टैलेंट, और वो एक्टिंग सीख रहा था वहाँ पे मास कम्युनिकेशन के साथ साथ, वो सिंगिंग करता था और उसको एक्टिंग के लिए किशोर नमित कुमार ने कोई कुछ देखा होगा उसका तो उसको लिया होगा उसमें, तो ये सब चीज़ें उसने बताई थोड़ी थोड़ी और हमने सुनी। तो मेरे दिमाग में मास कम्युनिकेशन रह गया, मैं पापा से बोला मैं मास कम्युनिकेशन करूँ। और उसी टाइम पे मेरा सीए के लिए होना हो गया था, हम दोनों का लखनऊ में झूमी का अमृत का एडमिशन के लिए ले जा रहे थे और मुझे भी लेके जाना था, लेकिन मैं पापा से बोल ही नहीं पाया कि मुझे ऐसा ऐसा ये करना है। तो रास्ते में मैंने उनको बोला लखनऊ जाते वक्त कि पापा मैं शायद नहीं करूँगा, जो आप लेके जा रहे हो मुझसे नहीं हो पाएगा। वो प्लानिंग थी बहुत बड़ी, बहुत लंबी कहानी है उसकी। उन्होंने बोला, पापा ने मुझे कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है तुम्हारे पास ये, तुम ये करो। तो मास कम्युनिकेशन मैंने टाइप किया, स्कूल से आए और लकीली मुझे कॉलेज मिला अंधेरी वेस्ट में, भवंस कॉलेज के पास में। अब वो कैसे मिला, अच्छा कहाँ से हुआ, मुझे पता नहीं क्या बात करनी है, मुझे पता नहीं कोर्स क्या होते हैं, कुछ पता नहीं था मुझे। बट आई थिंक पता है क्या यार, सब लिखा होता है, सब हो जाता है, आप अगर सोच लो ना कोई चीज तो कैसे कैसे डॉट्स मिलते हैं। मेरी लाइफ में ना डॉट्स मिले, मुझे कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं मुंबई आऊँगा यार, मतलब मैंने अपने सपने में नहीं सोचा था अगर मुझसे पूछा जाए तो। बट हाँ, अब ये मेरा घर हो गया है, इसके अलावा मैं कुछ सोच ही नहीं पाता हूँ, इसीलिए मैं बचपन बहुत मिस करता हूँ। तो ये हाँ, फिर मैं मुंबई जब 2009 में आया यार, तो मतलब मैं आया यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के लिए। 2009 मास कॉम, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम था स्कूल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन। और मेरे दिमाग में था कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, और ऐसा था कि मैंने एडमिशन वगैरह करा लिया था और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कैसा होगा, कॉलेज की तरह होगा या क्या होगा। मैं जब मुंबई आया तो मैंने देखा कॉलेज तो बहुत छोटा है यार, इसमें तो कैंपस भी नहीं, एक बिल्डिंग में कॉलेज है छोटा सा। बट लकीली वो अंधेरी वेस्ट में था और मुझे मुंबई आया था ऐसे, और बहुत महंगा कॉलेज था, पैसे वैसे दिए और सब करा। और मैं मिस करता हूँ यार कॉलेज लाइफ, क्योंकि मैंने कॉलेज लाइफ नहीं देखी अपनी लाइफ, वो कैंपस, वो जैसे अमृत आर.डी. नेशनल कॉलेज में था तो ही हैज सीन a proper college life. I haven't seen a proper college life, and I was very underconfident as a boy when I came to Mumbai. Very underconfident, मतलब कैसे confidence का सीन भी नहीं था मेरे। So that's how I came to Mumbai यार, 2009 for graduation. तो फिर पहली film आपको, या पहला काम आपको कैसे मिला? पहला काम, तो पहले तो ये नहीं पता था कि करने क्या है, तो मास कॉम कर लिया था, चल रहा था सब। एंड मुझे मेरा एक फ्रेंड था कृतिक करके, उसने तो मुझसे जब कोई पूछता था क्या करने आए हो तो मैं बोलता था मास कॉम, एक्टर। आप पता नहीं ये एक्टिंग का कहाँ से क्या हो गया, तो मतलब मैं बहुत डर के बोलता था कि एक्टर, बट एक्टिंग नहीं आती है, पता नहीं ये वैसा। तो उसने मुझे बोला यार एक थिएटर ग्रुप है, करोगे तुम? मैंने बोला हाँ कर लूंगा, देखते हैं क्या है। तो मुझे कांदीवली लेके गया वो एक दिन, उसके कोई फ्रेंड का ग्रुप था और वो मुंबई का ही था लड़का, वो मुझे लेके गया थिएटर। तो मैं जीन्स वीन्स पहन के गया, मैंने देखा कांदीवली बहुत दूर कहीं तो लेके गया, कोई तो कॉलोनी थी उसमें एक हॉल था, मुझे अभी भी याद है मैं पहली बार घुसा, दरवाजा खुला तो मैंने देखा ये ग्रुप है जो सब ने काले कपड़े पहने हुए, उनकी ड्रेस थी वो ब्लैक लोअर और वो जो पहनते थे समझ के, वो सरगम और स्ट्रेचिंग और ये सब चल रही है, और मैं जीन्स में बैठा देख रहा था। तो जो डायरेक्टर थे वरुण से नाम, कैलकाटा से हैं वो, उन्होंने मुझे देखा और आए, बोले हम लोग एक प्ले, तो वो जानते थे मेरे फ्रेंड को, तो उन्होंने मिले हमसे, हाय हेलो, हाय वैभव तुम्हें थिएटर करना? हाँ मैं देख रहा हूँ। तो ठीक है आ जाओ यार, परसों से आ जाओ और लोअर पहन के आना, जीन्स मत पहन के आना। तो मैं 1 घंटे रुका वहाँ पे, मुझे देखा क्या कर रहे हैं, मुझे लगा ये क्या है, मैंने कभी भी किया नहीं था ना, तो मुझे लगा ये सब क्या चल रहा है। और फिर मैं वापस अपने घर आ गया, मतलब अंधेरी ईस्ट में मैं रहता था शेरे पंजाब में, तो आया और फिर मैं गया ही नहीं कभी। उनका 2-4 दिन बाद फिर से कॉल आया कि अरे तुम करना चाह रहे हो हमारा प्ले, अग्नि बरखा प्ले कर रहे थे वो लोग। अच्छा। वो अग्नि बरखा गिरीश कर्नाट का बहुत अच्छा प्ले है, तो बोला सर मुझे नहीं करना, शायद मुझे फीलिंग नहीं आ रही है, एक बार आओ तो सही। तो उन्होंने प्रेशर डाला तो मैं गया फिर लोअर वोअर पहन के, और वो टाइम था 2009 की बात है, मैं आ ही गया था मुंबई, यहाँ 5-6 महीने के अंदर ही हो गया था। तो मुझे पता चल गया मुझे लाइफ में क्या करना है। जब मैं पहली बार लोअर टी-शर्ट पहन के उस थिएटर ग्रुप में घुसा, दरवाजा खोला, मैं घुसा, अपना बैग रखा और उनके साथ सर्कल में खड़ा हुआ। जो सर्कल बना था ना, और उसमें सबने हाथ, जैसे थिएटर में होता है कि रिहर्सल करने से पहले एक छोटा सा एक रिचुअल है वो करते हैं। पता नहीं यार, मुझे कुछ अंदर से ऐसे होता है ना कि एक बटन खुल गया हो कि बस मिल गया। और वो दिन मैंने रिहर्सल की, सरगम किया, स्ट्रेचिंग किया, उनके साथ रीडिंग की, उनसे थोड़ी उन लोगों से बातें की। मुझे लगा बस ब्रॉस ये मुझे अभी भी याद है वो लाइफ का बेस्ट मोमेंट था, जब आपको जब आपको पता चल जाता है आपको क्या करना है लाइफ में, जो अंदर चल रहा था। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये इसको लगे यार 2 साल, जब मैं सीतापुर में था तब से ही चल रहा था। फिर उसके मैंने 3-4-5 साल जम के थिएटर किया, मतलब हर चीज की, जो चीजें कर सकता हूँ, झाड़ू पोछा से लेके, अंधेरी में रहता था वहां जाता। अब ये पहली फिल्म कैसे मिली तो बहुत बात की बात है, ऐसे ही हो गया करते 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 5-6 साल बीत गए। थिएटर ही किया मैंने, पहले मैंने सीखा अच्छे से, मैंने अपना बेसिक बेस क्लियर किया, मैंने बोला, क्योंकि मुझे उसके बाद भी पता नहीं था कि इसके बाद क्या होगा। थिएटर तो मिल गया बट आगे क्या। तो जो मेरे सर थे यार, उन्होंने मुझे, वो बहुत प्यारे इंसान मिले, बहुत लकी रहा हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छे लोग मेरे को मिलते गए और मेरा सफर ऐसे चलता रहा। तो वो मिले, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मेरे अंदर सीखने का अभी भी बहुत, मुझे सीखना बहुत पसंद है। तो मैं उनके चिपका रहता था, 8-8 घंटे हम लोग रिहर्सल करते थे और इतनी एनर्जी कहाँ से आती थी पता नहीं, पार्ले जी बिस्किट और चाय पे रहते थे, कर रहे हैं पसीने में, और ना ज्यादा पैसे तो मिलते ही नहीं थे, बट एक मजा आ रहा था। मुझे लाइफ में पहली बार ऐसा फ्रीडम का फील हो रहा था कि यार ये मिल गया, यही है, यही ढूंढ रहा था मैं। तो 3 साल दिए उनको अच्छे से, उसके बाद उनके साथ प्ले किया, 1 साल तक उसकी रिहर्सल की, क्योंकि नया ग्रुप था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, बट मुझे सीखने को मिल रहा था। 5-6 साल लगा दिए। उसके बाद अमृत का तब तक कॉलेज हो गया था, क्योंकि अमृत 1 साल बाद आया था, अमृत का कॉलेज हुआ और ये इसने कॉलेज में शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू कर दी। तो मैंने एक्टिंग शुरू कर दी थी 2009 में, ये 2010 में आया था, 12 में पास 11 में इसने शॉर्ट फिल्म बनाया। तो इसकी शॉर्ट फिल्म में ये हम मुझे लेता था, मेरे रूममेट्स थे उनको लेता था, तो हम लोग ना फेमस हो गए थे आर डी नेशनल कॉलेज के। ये 2 एक्टर इसके घर पे रहते हैं, एक इसका भाई है और एक और बंदा है, तो कोई भी पूरे स्कूल में फिल्में बनेंगी तो यही 2 लिए जाएंगे, 2 या 3 लोग थे। तो हम लोग को लिए जाने लगा, तो वहां से कैमरा फेसिंग और शॉर्ट फिल्म और ये फिल्म्स का ये शुरू हुआ, शॉर्ट फिल्म्स की। फिर हम लोग टीवीएफ में चला गया कॉलेज खत्म करने के बाद इंटर्नशिप करने, वहाँ से टीवीएफ के साथ शुरू हुआ छोटे वीडियोस बनाना, जो टीवीएफ के वीडियो स्केच वीडियोस होते हैं, वहाँ से फिर पैसा मिलने लगा और पैसा मिला, फिर टीवीएफ के थ्रू थोड़ी सी रिकॉग्निशन मिलने लगी, लोग पहचानने लगे। एंड फिर मैंने मैंने सारे यूट्यूब चैनल्स के साथ काम किया, क्योंकि सब नए नए आ रहे थे और सबको एक्टर्स चाहिए थे, और वो एक्टर्स कास्टिंग के थ्रू नहीं होते थे तब क्या हुआ कि अच्छा टीवीएफ में ये लड़का काम कर रहा है, सही है, चलो करते हैं। और मेरे क्या थे, मेरे कॉन्टैक्ट्स बनते जा रहे थे, धीरे धीरे डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे। तो हमारे एक सर थे जो अमृत के सर थे और मेरे फ्रेंड बन गए, हम लोग भी सर बोलने लगे उनको, और वो AIB के साथ एज अ डायरेक्टर काम कर रहे थे। तो AIB का वीडियो मैंने किया, TVF का, फिर हमारा मूवी, फिर इमोशनल फूल्स, फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें चलनी शुरू हुई। मुझे फिल्म मिली है स्ट्रगलर्स करके, जैसे मैंने बताया आपको, एक वेब सीरीज मैंने की थी 2013-14 में या 15 में की थी, वो भी मुझे मिली, और वो सारेगामा प्रोड्यूस कर रहा था और वो जी के लिए थी, वो मैंने की। उसमें 3 लड़कों की बहुत, उस टाइम जब ये वेब सीरीज का शुरू हुआ था तब वो बहुत प्यारी वेब सीरीज थी, 3 लड़कों की रूममेट्स पे, काफी कॉमेडी बन रही थी तब, बहुत अच्छी थी। तो उसको ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिली, उसको प्लेटफॉर्म सही नहीं मिला, तो वो चल नहीं पाई, वो पता नहीं कहाँ है, बट वो बहुत प्यारा लिखा था। गौरव करके, मेरे गौरव शर्मा करके बहुत अच्छा दोस्त है, उसने लिखी। तो मैंने उसमें एक्टिंग की, उसके बाद सारेगामा ने एक प्रोडक्शन हाउस खोला यूडली, जो फिल्म प्रोड्यूस उन्होंने वो पहले थे जो डिजिटल फिल्म में एंटर कर रहे थे, तो उनकी पहली फिल्म थी आश्चर्य चकित। तो वो जब राइटिंग उस पर और ये सारी चीज़ें चल रही थी तो गौरव उसमें इन्वॉल्व था एज अ, आई थिंक गौरव मेन उसमें था, क्रिएटिव उसमें था। उसने मुझे एक बार बताया था वो एक फिल्म ऐसे ऐसे हम लोग प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, हम जैसे यहाँ होता है ना कि मैं बताऊँगा कुछ होगा, क्योंकि उन लोग को मेरा काम अच्छा लगा था। तो जब मुझे ये पता चला तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि एक तो फिल्म, और मुझे हमेशा से मुझे टीवी में इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे लगता था फिल्म में ही करना है मुझे, तो ये हुआ। बट वही है कि यार यहाँ ये बिजनेस है और आप नए हो, आपने इतना काम नहीं किया है, तो आपको फिल्म मिलना वो भी एज अ लीड बहुत मुश्किल है काम। But thanks to Saregama people because they actually helped me a lot. They made me meet the director, Shamit Kakkar sir. उनसे मैं मिला एक कॉफ़ी शॉप में और उन्होंने मुझे देखा पूरा और बोला हाँ ठीक है बताते हैं। लेकिन मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मुझे उस दिन लगा कि यार ये बेस्ट मौका है यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारी मीटिंग हो गई है, अब तुम्हारा काम है इनको इम्प्रेस करने का। फिर मैंने सर के पीछे हाथ धो के पड़ गया, मतलब उनको अपना काम भेजा, मतलब ऑलमोस्ट मैंने ऐसा कर दिया था कि वो मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। आई वाज लुकिंग फॉर वन अपॉर्चुनिटी टू गिव मी जस्ट वन ऑडिशन, क्योंकि क्या है ना कि आप मिल तो लेते हो और उनके दिमाग में कोई और एक्टर था पहले से, मैं नहीं था। तो मैं ही चाह रहा था बस मुझे एक मौका दे दें ऑडिशन देने का ताकि मैं अपना दिखा पाऊँ, और मुझे अपने में बहुत कॉन्फिडेंस आया। जब मैंने एक्टिंग सीख ली तो तो कभी कोई सीख नहीं सकता पूरी तरीके से, बट तो आप धीरे धीरे मुझे पता चल गया। तो मैंने सोचा यार एक मौका मिल जाए ना मुझे इनको प्रूव करने का, ऑडिशन मिल जाए। तो मैंने वो मौका कैसे भी निकाला, उन्होंने मुझे घर पे अपने बुलाया, मुझे वहाँ पे ऑडिशन किया और मुझे लगा मैंने ऑडिशन अच्छा किया, उन्हें भी अच्छा लगा, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो नहीं मिला मुझे वो कॉल आया प्रोडक्शन से कि वैभव यार ऑडिशन तो अच्छा है बट तू उस दोस्त का रोल करेगा क्या। और मेरे पास तब 2000 रुपये का फ़ोन हुआ करता था, मैं एंड्रॉयड वगैरह रखता नहीं था। अच्छा अच्छा। और मैंने बहुत मेहनत की थी यार उस एक रोल लेने के लिए, क्योंकि फीचर फिल्म में लीड था, मैं बहुत एक्साइटेड था और मैंने ऑलमोस्ट बना लिया था अपने दिमाग में कि मैं फिल्म ये कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तक बात चली गई थी। तो जब ये सुनने को मिला तो मुझे अभी भी याद है मैं किचन में था और मेरे को ये आया कि आप नहीं कर रहे हो, आप दोस्त का करोगे, 4-5 दिन का शूट है। मैंने फ़ोन लिया और पटक दिया, तोड़ ताड़ दिया गुस्से में। मैं बोला भाड़ में जाए यार, मैंने अपनी मेहनत की नहीं, और तो नया भी था तो गुस्से को कंट्रोल करना बहुत गुस्सा आ रहा था। तो फोन तोड़ा और पता नहीं क्या हुआ, मतलब मुझे फिर से, मतलब मैंने उसके कुछ 3 राउंड किए, फिर से ऑडिशन आया, फिर से ऑडिशन किया और मैंने 3 राउंड देने के बाद मुझे फोन आया कि यार तुम नहीं कर रहे हो। और 3 राउंड में मैंने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया था। तो होता है ना कि यार क्या कमी है, मतलब आप बता दो ना सामने से क्या है। फोन तोड़ दिया, ऐसा हो गया। फिर शाम को मेरे पास मैसेज आता है, दूसरे फोन में मैंने लगाया कि अच्छा वैभव लिसन देयर इज समथिंग आई वांट टू टेल यू दैट आई थिंक यू गॉट द पार्ट, राजू नाम था। और तब भी बिलीव नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हो चुके थे ना तब तक, जब तक साइन नहीं हो जाता नहीं मानूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब हुआ यार, मिल गया, मिला। और मतलब शमित सर ने, मतलब मैं बहुत आभारी हूँ यार शमित सर का, क्योंकि ना आपको मुंबई में कोई काम नहीं देता है ऐसे। आप भले ही आप टैलेंटेड हो लेकिन आपके ऊपर पैसा कैसे लगाए कोई, आपने ऐसा किया है। बट शमित सर ने वो रिस्क लिया और ये मेन लीड का था, और लीड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जो लोग यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो वो मिल गया यार। तो मिला, मेहनत से मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला मेरी पहली फिल्म को। And I had a great time. I learned so much about filmmaking, about acting, कैसे behave करते हैं, कैसे acting करते हैं। और शमित सर के तरीके बहुत, तो आप जब फिल्म देखोगे वो तो अच्छी फिल्म है। मतलब मुझे बहुत, क्योंकि मेरा पहला काम है यार, तो मुझे ना बहुत करीब हूँ मैं उसके, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ऐसे मुझे पहली फिल्म मिली थी। तो आपने फिल्मों में भी काम किया है, आपने वेब सीरीज में भी किया हुआ है, तो दोनों के सेट में कितना अंतर होता है, परिवेश माहौल में कितना अंतर होता है, कंफर्ट कहाँ महसूस करते हैं? यार अब देखा जाए तो दोनों में कंफर्ट है, दोनों में नहीं है। मतलब जब मैंने पहली वेब सीरीज की थी तो कंफर्ट, आई डोंट नो अबाउट कंफर्ट, आई डोंट नो, बट जस्ट कि नया नया आया था तब ये, तो लोगों को भी पता नहीं था कि ये कैसे डील किया जाता है, सब समझ रहे थे, एक्टर भी समझ रहे थे, अच्छा ये वेब सीरीज का वो है, डायरेक्टर्स और ये सारी चीज़ें। बट अभी तो यार अभी बहुत सिमिलर हो गया है, मतलब जैसे आप फिल्म सेट पे आपको आपके तरीके होते हैं वैसे ही वेब सीरीज में भी होता है, और कभी कभी वेब सीरीज में बहुत ज़्यादा वो होता है, कभी कभी फिल्म से बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे जब मैं गुल्लक कर रहा था ना, तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं वेब सीरीज शूट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा मैं फिल्म का ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि उस तरीके के प्रोफेशनल लोग जुड़े हुए थे, उस तरीके के लाइक अमृत और जो मेरे को एक्टर्स थे, जो प्रोडक्शन की टीम थी, वो सब बहुत प्रोफेशनली काम कर रहे थे। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं टीवी वेब सीरीज ये कर रहा हूँ। और ये होता है कि जैसे एज एन एक्टर मैं बोलूँ तो जब आप किसी फिल्म में काम कर रहे होते हो तो एक लिमिटेड टाइम स्पेस होता है कैरेक्टर का, एक स्टोरी का, एक आर्क, भले आपको थोड़ा सा कम लगेगा, अगर बहुत ऑथर बैक रोल है तो बहुत अच्छा है, वो है स्क्रिप्ट है, अगर ये सारी चीज़ें। वेब सीरीज में क्या होता है कि आपको हर चीज़ विस्तार से बताई जाती है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, ये एक जर्नी है इसकी, और आप आगे पीछे बनाते हो। तो ये एक मुझे लगता है बहुत यही एक डिफरेंस है यार फिल्म और उसमें। बट अभी मुझे लगता है यार अभी वेब सीरीज देख लो आप, फिल्म से अच्छी वेब सीरीज, बहुत कमाल का काम हो रहा है, और बाहर तो बहुत सालों से हो रहा है ऐसा काम। यहाँ पे अभी मैंने रिसेंटली 5-8 लोग देखे, मुझे बहुत अच्छी। तो अभी अगर मैं ये कहूँ कि अभी जो नए लोग जो आजकल बॉम्बे आना चाहते हैं एक्टिंग को लेके, आप वहाँ बहुत पहले से हैं, आपने सबसे सारी चीज़ें देखी होगी, तो क्या आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें कि किस तरह उन्हें आना चाहिए, किस तरह उन्हें नहीं आना चाहिए? यार मैं इस पे सिर्फ मतलब मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा इस पर, जैसे और मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ जो मैंने फॉलो किया। मैंने ना अपने पे बहुत बिलीव किया है हमेशा से। अगर आप अपने पे बिलीव करोगे ना तो कोई भी चीज़ पॉसिबल है। और बिलीव करने से मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आप रेडी हो इस चीज़ के लिए, क्या आप रेडी हो अपने आप को झोंकने के लिए? अगर आप रेडी हो तो वेलकम है आपको, बट आपको ना बहुत ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा अपनी आर्ट को लेके। अगर आपने अपने आर्ट में थोड़ी सी भी मिलावट की ना, कि शॉर्टकट्स ढूंढ लिए या आपने कुछ और करके कुछ मतलब शॉर्टकट्स नहीं, आप सामने एक्सपोज हो ही जाओगे। तो मैंने हमेशा से बिलीव किया कि यार सबसे पहले आप मतलब स्टेप बाय स्टेप चलो। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, पहले वो गिरता है, फिर उसको चलना सीखता है, फिर वो साइकिल पे, फिर मोटरसाइकिल, फिर गाड़ी, जो भी है। वैसे ही एक्टिंग या एक्टर की भी जर्नी है, एक जगह से शुरू होती है। आप पहले सीखिए, आप पहले उस चीज़ को अच्छे से सीखिए, ताकि जब आपके पास मौका है तो आप चौका छक्का मारने के लिए रेडी रहो। कभी कभी क्या होता है, आपको मौके बहुत मिलते हैं, बट भैया कि आप प्रिपेयर नहीं हो उसके लिए। आप अपने आप को प्रिपेयर करो पहले आप। और यहाँ पे देखो, मुंबई का एक सिंपल सा है, पहले मुंबई आपको टेस्ट करेगी, अब हर हाल में टेस्ट करती है। बट मुंबई ने जिस टाइम आपको एक्सेप्ट कर लिया ना, फिर आपको कोई वहाँ से नहीं लेके जा सकता। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि मैं यहाँ आया था, मुझे आइडिया नहीं था यार। आइडिया का मतलब आप समझ लो, मैं गांव का लड़का यहाँ दादर स्टेशन पे खड़ा हूँ, और मैं जब भी वो रात याद करता हूँ ना, मुझे वो फिल्मों वाली जैसे कहानी लग रही है। बट एक्चुअली यही होता है कि आप दादर स्टेशन पे आते हो और आप भीड़ देखते हो यार, आपके चारों तरफ लोग भाग रहे हैं। तो और हर जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने क्या किया है 10-11 सालों में, मैंने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे कि हर आदमी एक तरीके का काम करने में लगा हुआ है। जैसे सब कर रहे हैं उसी में चले जाते हैं वो, कि अच्छा आए, ऑडिशन दिया, मिला, काम किया, ये किया, हो गया, खत्म। मैं जब आया तो मैंने सोचा नहीं, मैं पहले सीखूंगा। फिर मैंने देखा कि सब एक जैसा ही काम कर रहे हैं थे, अभी बहुत चेंज हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला नहीं यार, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करूँगा जैसे सब कर रहे हैं। मुझे अपना स्टार्ट करना है, मुझे अपने तरीके से काम करना है। एंड क्योंकि मैं अपने आप को लेके बहुत कॉन्फिडेंट था, हूँ और रहूँगा, तो मैंने अपना एक सर्कल बनाया, मैंने अपने तरीके के लोग ढूंढे, मैं उनके साथ हैंग आउट किया। मैं हमेशा से सीखने के उस पर रहा, तो मैं हमेशा से सबसे ऐसे लोगों से मिला जिनसे मैं कुछ सीख सकूँ, जिनसे मुझे 10 चीज़ें पता चलें, ताकि मैं यूज़ कर सकूँ। और एज एन एक्टर आपको हर चीज़ करनी चाहिए। लोग मतलब मैंने स्टेशन पे काम किया है, मैं दादर स्टेशन पे खड़े होके वो पैम्फलेट बेचते हैं, मैंने वो किया है 3 महीने, वो करता था, कांदीवली जाता था, वहीं से रिहर्सल करने के लिए वापस आता था। मतलब मैं भी सोचता हूँ, मुझे लगता है कैसे कर लिया मैंने। अदर, अंधेरी और चर्च गेट जाके हम पैम्पलेट बांटते थे, एनजीओ के लिए काम करते थे, इससे मेरा खर्चा चलता था। और थिएटर तो करना ही था, थिएटर तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। तो ये सारा मतलब आप रेडी रहो यहाँ पे, ये मत एक्सक्यूज मत लाना कि अरे यहाँ तो काम नहीं मिलता। काम मिलता है यार, आप रुको तो सही, आप टाइम तो दो थोड़ा सा, काम मिलेगा और आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा। और बहुत अच्छे लोग हैं यार यहाँ, मतलब हर टाइप का आदमी है यहाँ पे। आप अगर रेडी हो तो आपको हर टाइप के लोग मिलना। और यहाँ कॉम्पिटिशन है, यहाँ ना एक है यार, एक हवा है यहाँ पे, खतरनाक है। मतलब नशा है यार मुंबई। अगर मतलब जो जेन्युइनली आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, उनसे पूछो यार, मतलब पागलपन है यार यहाँ। इतने टाइप के लोग हैं, इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं कि आपको तो ये लगेगा कि यार आपको तो ये आता ही नहीं है। मतलब तो मुझे अभी भी हमेशा ही लगता है कि यार शूट, यार मैंने तो इतनी फिल्में देख रखी, मैंने इतना वर्ल्ड सिनेमा देखा हुआ, ये तो 50 और फिल्में बता रहा है, ये बंदा तो 50 और चीजें कर रहा है, ये तो 20 चीजें और कर रही है। तो मैं तो इसी ऑ में रहता हूँ कि अरे ये भी सीखना है। ये आप सब नहीं सीख सकते, बट एज एन एक्टर आपको सब कुछ हेल्प करता है। मतलब अगर आप धक्के भी खा रहे हो ना, तो आपको वो एक्टिंग में हेल्प कर रहा है। तो मैंने तो हमेशा इसी चीज से बिलीव किया कि अपने आप को कंफर्टेबल मत होने दो, कंफर्टेबल मत हो, अनकंफर्टेबल रहो। एंड प्लीज मतलब अपनी आर्ट से चिपक के रहो, अपने जहाँ से आपने शुरू किया है ना, जो बेसिक्स हैं। जैसे मैं पिछले 2-2.5 साल से, मतलब मैं बहुत डिसिप्लिन लड़का रहा हूँ, मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद रहा है। तो मैं हमेशा से डिसिप्लिन, तो मैं मेरा फिक्स है 5:30 बजे उठना, अपना रोज़ रियाज करता हूँ एक्टिंग का, 11 बजे सो जाता हूँ, चुपचाप सुबह उठता हूँ, रोज़ करता हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि आप जुड़े रहते हो, क्योंकि क्या है, एज फ्रीलांसर्स नो, यू डोंट हैव वर्क एवरी डे, व्हाट विल यू डू, यू विल गो मैड। इट्स वेरी लोनली, इट्स आपको लोनली कर देता है यार ये शहर। तो आप उसके लिए तैयार हो कि नहीं। तो लॉकडाउन चल रहा है, मेरा शेड्यूल ने बचा रखा है कि मेरा सुबह से शाम, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तब भी उसमें कोई दिन ऐसा आता है जहाँ पे घबराहट शुरू हो जाती है, जहाँ पे पैनिक होना लगता है। तो ये है यार, तो जो लोग आ रहे हैं प्लीज मतलब आइए, बहुत अच्छी बात है, बट क्या आप रेडी हो इस चीज़ के लिए? क्या आप अपने आर्ट, मतलब बहुत लंबी जर्नी है, तो जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं, मैं वो, मुझे वो बनना है। मुझे शॉर्टकट्स और पैसा छापने नहीं है, मुझे पैसा कमाना है, बट कमा लेंगे यार, पहले एक्सपीरियंस तो कर लें लाइफ को। और सबसे बेस्ट बात पता है क्या है, मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, आपको पता ही नहीं, आपको एक दिन खत्म होना है, जाना है। तो इट्स बेटर टू हैव फन, मतलब एंजॉय करो, एक्सपीरियंस लो, ट्रैवल करो। और मतलब मैं यही सलाह देता हूँ यार, सलाह क्या, मैं खुद बहुत बड़ा एक्टर या वैसा कुछ नहीं, मैं खुद ही सीख रहा हूँ। मैं बस यही बोलता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है कि लाइफ को जियो मत, एंजॉय करना सीखो, तो आपको लाइफ बहुत कुछ दे जाएगी, भले वो एक्टिंग हो या कुछ भी हो। तो यही है आने वाले कल के लिए क्या कुछ प्लान है या इसका चाहे यार? प्लान्स तो बहुत थे, बहुत अच्छा प्लानिंग चल रही थी ये साल। जैसे बहुत काफ़ी सालों बाद, सालों नहीं बोल सकता, हाँ 1 साल बाद मेरी लाइफ में ऐसा आया था टाइम जहाँ पे मेरे पास बैक टू बैक काम था, और अच्छे काम थे, अच्छे मतलब जैसे मैं चाह रहा था वैसे। तो वो सब चीज़ें हुई थी, मैंने प्लानिंग कर रखी थी, बॉडी बनाई थी उस काम के लिए, प्रोफेशनली बहुत जुड़ा हुआ था। तो ये पूरा साल, दिसंबर में मेरे पास वो प्रोजेक्ट आ गया था, तो जैन से मैंने उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो मैंने सोचा था यही काम करूँगा, और मेरे साथ वैसा है कि मैं एक काम करता हूँ उस पर ही पूरा फोकस रखता हूँ, मैं बाकी कुछ नहीं कर रहा था। तो सब कुछ छोड़ दिया था, उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। 3 महीने दिए, सीट पे था, लखनऊ में था, और मार्च में ये हो गया। और उसके बाद मैंने जो प्लानिंग की थी उसके हिसाब से दूसरा सीज़न गुल्लक का शूट करने मुझे वहाँ से ही जाना था। तो मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी 4-5 महीने की, ये 2 महीने इसको शूट करूँगा, घर पे रहूँगा गांव में, उसके बाद मैं वहाँ से वहाँ चला जाऊँगा, बट सीधा बैक टू नॉर्मल जीरो। बट ये बहुत अच्छा टाइम है पता है, मतलब मेरे लिए तो है ही, क्योंकि यार मैं ऐसे ही रहा हूँ, मैं हमेशा से अपने साथ टाइम बहुत स्पेंड करता हूँ। तो अभी लोगों को पहली बार लाइफ में उनको मौका मिला कि वो अपने साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। आई थिंक इतना टाइम दिया ना भगवान ने कि आप इवॉल्व होके निकलो, आप देखो आपको क्या पसंद है, हॉबीज क्या हैं, क्या क्या कर सकते हो। वही है यार, और क्या है यार लाइफ में। ये इस लॉकडाउन ने सिखा दिया कि आप ना बहुत सिंपल लाइफ जी सकते हो कम चीज़ों के साथ, घर का खाना खा। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो भी अनुभव हमें शेयर किए। मिलते हैं फिर कभी। जी सही बात की हो मैंने। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा बात करके और बहुत अच्छी बातचीत रही हमारी, और हम कोशिश करेंगे कि कभी हरियाणा हुआ तो आपसे मुलाकात हो। थैंक यू यार, आप भी ध्यान रखिए, आपसे बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए नमस्कार।